हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मन से लगे हुए होंगे। चलिए, तो आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जीएसटी से ही रिलेटेड, जो कि इंट्रास्टेट का हम लोगों ने, विदिन अ स्टेट जिसको बोलते हैं, जिसमें सी जीएसटी और एस जीएसटी का हम लोग बात कर रहे हैं, उसका एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए काफी आसान लैंग्वेज में, एकदम लेमेन टर्म्स में आपके लिए आज लेकर के आए हैं। चलिए करते हैं क्लासेस का शुरुआत। तो वेलकम वंस अगेन कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय NWB। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लो, कॉमर्स वाला भैया। और जाकर के आपको एक और काम करना है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाई NWB, उसे भी आप ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे नोट्स मिलते जाया करेंगी। और हमारा एक नंबर भी है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सर आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज क्वेश्चन बनाने वाले हैं। हाँ, आज फिर से एक क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए। जैसे कि आपके लिए ऑलरेडी ये चीज बताया गया है कि आप कोई भी बुक को प्रिफर कर रहे हो, तो उस बुक से आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल एज वेल एज इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस दोनों ही बनाने हैं, ठीक है? क्योंकि इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस आपके जो, मतलब क्या बोले, माइंड को काफी डेवलप करते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल इवेल्यूएशन टाइप से क्वेश्चंस वहां पे दिया रहता है, जो कि काफी अच्छा होता है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जहां पे हम लोग लेंगे CGST 9%, SGST 9%। बोले तो टोटल कितना लेंगे हम लोग? सर टोटल लेंगे हम लोग, टोटल लेंगे कितना? 18% वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला जर्नल एंट्री लेकर के आते हैं। जैसा कि आपके लिए ऑलरेडी रिकमेंडेड है कि आप फॉर्मेट को खींच करके ही एंट्री करेंगे, अदरवाइज आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होने जा रहा है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें हम लोग फॉर्मेट के साथ करेंगे, क्योंकि थोड़ा फॉर्मेट में प्रॉब्लम होता है, मतलब छोटा स्पेस होता है वहां बनाने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? लेकिन आप कॉपी में जरूर खींच के करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जिसमें आते हैं क्या कि परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5 लाख फ्रॉम राम लखन एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? क्या किया, क्या करा हम लोगों ने? परचेस कराया गुड्स का 5 लाख का फ्रॉम राम लखन से एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका नॉर्मली एंट्री होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था? परचेजेस अकाउंट दिया टू राम लखन अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ और कैश का कोई जिक्र नहीं किया है, तो ये उधार में होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप परचेज किए हो तो आपको यहाँ पे इनपुट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आप यहाँ पे क्या किए हो? जीएसटी पे किए हो। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? परचेजेज अकाउंट डीआर इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डीआर इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डी आर, मतलब डेबिट टू राम लखन्स अकाउंट, ठीक है? किसके अकाउंट में? राम लखन के अकाउंट में। एक बात बताना बच्चों कि कितना का सामान था? सर सामान था मेरा 5 लाख का, ध्यान देना, यहां पे यहीं पे गड़बड़ा सकते हो। 5 लाख का ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%। 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते कि नहीं करते हैं? यहाँ थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लो, हालांकि ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं बट फिर भी देख लो वर्किंग नोट। लीस्ट प्राइस कितना था सामान का? सर लीस्ट प्राइस था 5 लाख रुपया, माइनस 20% क्या? ट्रेड डिस्काउंट। तो 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? होना तो चाहिए सर 1 लाख रुपया, लेकिन निकाल के देख लो, 2020 कितना आया? 2 5 10 और यहाँ कितना? 0 3 1 2 3 और यहाँ पे कितना? 0 1 0, मतलब कितना आया? 1 लाख आया। तो ये 1 लाख जब आप माइनस कर दोगे
आपका कितना निकलेगा? सर मेरा यहाँ पे निकलेगा 4 लाख रुपये, मतलब कि आप कितना का परचेस किए हो? 4 लाख का, ठीक है? 4 लाख का सामान आप परचेस किए हो, उसमें 9% यहाँ पे जीएसटी बोला था, तो 4 लाख का 9% कितना हो जाएगा? 2020 उड़ाओ, 9000094036 कितना आ गया? 36,000 रुपया। 36,000 रुपये आपका क्या आएगा? आउटपुट, इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? तो 36 + 36 कितना हो गया? 72,000, 72,000 रुपया। तो 4 लाख में 72,000 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 4,72,000 रुपये, ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? कैलकुलेशन तो सर हम लोग का तगड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? चलो, अभी अभी आए हो 10th क्लास में पढ़ करके, तो काफी आप लोग का कैलकुलेशन अच्छा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। बट अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग उतना हाई लेवल का कैलकुलेशन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, यहाँ क्या करेंगे? बीइंग गुड्स परचेस्ड, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सोल्ड गुड्स टू रणधीर फॉर रुपीज 3,20,000। किसको सोल्ड किए हो? रणधीर को। कितना का? 3,20,000 रुपये का। इसका एंट्री क्या होना चाहिए सर? इसका एंट्री होना चाहिए रणधीर अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट टू, यहाँ पे क्या मिलेगा? आउटपुट के इनपुट सर, आउटपुट टू आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट टू आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट, ठीक है? तो कितने का सेल्स था? वो यहाँ पे डिस्काउंट डिस्काउंट तो है नहीं सर, 3,20,000 रुपये का सेल्स था, उसका 9% निकालिए सर। तो 3,20,000 में 9% निकालने के लिए 2 जीरो हटा दो और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9,00,000, 9,00,000, 9,20,000, 18, हाथ बचा हुआ 9,27,28, 28,800 रुपये। 28,800 रुपये आपका कहाँ पे आएगा? आउटपुट सी जी एस टी, और यहाँ पे आएगा 28,800 रुपये। टोटल जोड़ दो, जोड़ करके टोटल कितना आएगा? 0,0,8,8,16, 8,8,16, 1,17 और 6,17, और इधर आ गया आपका 3,77,600 रुपये। 3,77,600 रुपये, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है? अब आते हैं थर्ड नंबर एंट्री पे। थर्ड नंबर एंट्री में क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम, मान के चलो कि इसका था, किसको हम लोग बेचे थे? रणधीर को। तो रिसीव फ्रॉम रणधीर अ चेक ऑफ 2 लाख, ठीक है? ऑन चेक सेंट टू बैंक, चेक को हम लोगों ने कहाँ भेज दिया? बैंक को भेज दिया। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आप क्या किए थे? चेक को रिसीव किए, तो रिसीव करके कहाँ पे भेज दिए? बैंक में। क्या यहाँ पे किसी तरह का कोई जीएसटी इन्वॉल्व होगा? नहीं सर, यहाँ पे चेक रिसीव कर लिए और बैंक भेज दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे? रणधीर से अकाउंट। लेट होता है ना, तो और लेट टू रणधीर अकाउंट, ठीक है? चलिए, कितना था? तो सर 2 लाख का चेक ही रिसीव किए थे। चलो कोई बात नहीं, जितना रिसीव किए थे उतने में ही खुश रहो। बीइंग रिसीव्ड पेमेंट बाय चेक, ठीक है? नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन लेते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज
एंड चलो ₹60,000 डाल देते, ठीक है। एक बात बताओ, जब भी आप परचेस कर रहे हो और 60,000 आप रिसीव मतलब क्या करोगे, रिसीव करोगे पे करोगे? ऑब्वियसली सर पे करेंगे। तो यहाँ पे आप रिसीव क्या कर रहे हो? फर्नीचर। तो एंट्री क्या होना चाहिए? फर्नीचर। तो सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो सर यहाँ पे जब हम किसी चीज को अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे? जीएसटी पे करेंगे। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सर? 60,000 तो फर्नीचर का दाम था, उसका अगर 9% अगर निकालेंगे तो सर 20 हटा करके 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 6 54 और 20 कितना आ गया? 5,400 रुपये। तो यहाँ पे भी 5,400 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, 5,400 रुपये। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 0 0 4 4 8 और 5 5 10 6 1 7 तो 70,800 रुपया, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या एंट्री करोगे? यहाँ एंट्री करोगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ठीक। उसके बाद है फिफ्थ नंबर एंट्री। फिफ्थ नंबर एंट्री क्या करोगे? एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ रुपीज 20,000 पेड इन कैश। एडवर्टीजमेंट का कितना था? 20,000 था। तो एडवर्टीजमेंट यहां पे आप करवा रहे हो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ये आपका एक्सपेंस है। तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है? इनपुट का टैक्स क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री क्या करोगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डी आर इनपुट ई जी एस टी अकाउंट डेबिट इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का? कितने का था सर? 20,000 का था। इसमें जीएसटी कितना लगेगा? 20,000 का 9% कितना हो जाएगा? तो सर 20,000 में 20 हटा दिए, 200 हो गया, 200 का 9% 9 2 18 कितना हो गया सर? 1,800 रुपया हो गया। तो सर 1,800 यहाँ पे और 1,800 यहाँ पे जोड़ करके कितना हो जाएगा सर? 20 2 22 23,600 रुपया। कितना हो जाएगा? 23,600 रुपया आपको कैश में पे करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? एडवर्टीजमेंट के लिए। यहाँ क्या लिखोगे? बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट पेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सिक्स नंबर एंट्री पे, ठीक है। सिक्स नंबर एंट्री पे क्या करोगे? कमीशन ऑफ रुपीज 50,000 20,000 रिसीव्ड, इतना भी कमीशन नहीं खाना चाहिए इन कैश, ठीक है बच्चों। रिसीव किया कमीशन कितना? 20,000। तो जब यहां पे आप कमीशन रिसीव कर रहे हो तो जीएसटी आप पे करोगे क्या? नहीं, आप तो रिसीव कर रहे हो तो फिर जीएसटी कौन पे करेगा? वो आपको जीएसटी का अमाउंट साथ में दे देगा। आपको पे करना होगा किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगा? कैश, क्योंकि आप कैश रिसीव करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो आप बोले भाई कमीशन का पैसा दे पहले, तो बोले दे रहे भाई तू कमीशन अकाउंट, भाई आउटपुट सीजीएसटी दे। तो वो अगर, तो आपको अगर वो दे रहा है तो वहां क्या करोगे? आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि वो आपको दे रहा है, आप क्यों पे करोगे? तू बोलोगे भाई आउटपुट मतलब एसजीएसटी भी दे मेरे को, दे दिया। कितना का कमीशन था? तो सर कमीशन तो आप रिसीव किए थे 20,000 का, ये क्या आप कमीशन ये आप मांग रहे हो? तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो 20,000 का 9% कितना हो जाएगा? होना चाहिए 1,800 रुपया, लेकिन निकाल देते हैं। 20 20 गया नानी घर, 9 0 0 9 0 0 9 2 18
तो ये सब बोलने का आदत मेरे को मेरे टीचर से मिला था, जो कि क्लास 10 में मेरे को पढ़ाते थे, मेरे मतलब लोकल टीचर थे वो। उन्होंने काफी कॉमेडी करके पढ़ाते थे और उन्हीं का ज्ञान दिया हुआ आज हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1800 रुपया और ये हो गया 1800 रुपया। वो कहते थे कि एग्जाम्पल में रियल लाइफ को यूज करो, ठीक है, उससे क्या होगा आपको हर चीज याद रहेगा। ठीक है, तो जोड़ करके कितना हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 23,600 रुपया। ठीक है, कितना हो गया 23,600 रुपया। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ये हो गया खत्म। अब हम लोग करते हैं इसका सेटअप। सेटअप करने के बाद आज का क्लास समाप्त कर देंगे। तो सेटअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट एंट्री जो होता है वो एंट्री क्या होता है, सेटअप का एंट्री क्या होता है सबसे पहले। तो उसमें सबसे पहले करते हैं आउटपुट, मतलब कि हमको पे करने वाला आउट मतलब रिसीव कितना किया। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट क्या CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, चलो सबसे पहले आप करते हैं हम लोग क्या, वर्किंग नोट करते हैं। ठीक है, नीचे करते हैं वर्किंग नोट सेट ऑफ के लिए। ठीक है, ये करना जरूरी है। अभी तक का जो भी आपका सेट ऑफ का वर्किंग नोट था आप छोड़ सकते थे, लेकिन ये मत छोड़ना। ठीक है, आई होप मेरा बात आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे क्या, टोटल इनपुट CGST, फिर टोटल इनपुट SGST, फिर हो गया टोटल आउटपुट CGST, बस लास्ट एकदम बचा हुआ है आपका टोटल आउटपुट SGST। ठीक है, तो देखो अब टोटल इनपुट CGST पहले जोड़ते हैं कि कितना दिया हुआ है। तो टोटल इनपुट CGST सर हम लोग का दिया हुआ है, पहले दिया हुआ था कितना 36,000 रुपया, उसके बाद दिया हुआ है 5,400। चलो इतना पहले लिख लो, 36,000 प्लस 5,400 प्लस, और देखते हैं 36,000 5,400 1,800 1,800 1,800 बस। यहाँ पे लिखोगे क्या प्लस 1,800, जोड़ करके आपका आएगा 42,300। ठीक है, तो ये भी आपका उतना ही आना चाहिए 42,300, क्योंकि इसका भी अमाउंट उतना ही दिया हुआ है, देख लेना। फिर आउटपुट CGST का अगर बात करें तो देखते हैं, पहले से पहले वाले में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, दूसरे में आउटपुट CGST कितना दिया हुआ है 28,800। उसके बाद कुछ नहीं, 28,800 रुपया के बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है 1,800। ठीक है, 28,800 और 1,800, 28,800 प्लस 1,800। ठीक है, उसके बाद और कुछ छूटा क्या, एक बार देख लेते हैं, 28,800 28,800 28,800 1,800 और तो कुछ नहीं छूटा, कुछ छूटा हुआ है क्या, फर्नीचर में हम लोगों ने दिया था GST, फर्नीचर 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 में, हाँ 5,400 और 1,800। ठीक है, 5,400 और 1,800। ठीक, एक सेकेंड, 28,800 और 1,800। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी मैं ही गलत बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे 20 और यहाँ हो गया 8 8 16, 8 1 9 1 10, 2 1 3, कितना हो गया आपका 30,600। तो यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा 30,600, सेम ही आएगा। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दोगे कि आपका जो इनपुट जो आपने पे करा है वो अमाउंट आपका यहाँ पे क्या है, ज्यादा है एज कंपैरिजन टू आउटपुट। तो आउटपुट आपका कितना है, तो सर आउटपुट मेरा 30,600 है, तो यहाँ लिख दो 30,600, यहाँ पे भी लिख दो 30,600।
इधर भी आपका चला जाएगा कितना 30,600 ही, कितना चला जाएगा 30,600। मतलब कि आप यहां पे देख पा रहे होगे कि आपने पेमेंट करा है 42,300 का और आपने आउटपुट दूसरों से रिसीव करा था 30,600 का, मतलब कि लगभग, मतलब समझ लो कि 42,300 रुपया और 42,300 रुपया जोड़ करके कितना हो गया, तो सर इधर हो गया 6,4,8 और इन दोनों को जोड़ करके अगर देखो 30,600 को तो हो जाएगा 0,0,12,1 और यहाँ हो जाएगा 6, तो मतलब कि 84, मतलब कि देखो कि आपका आउटपुट 84,000 आउटपुट है ना, 84 आपका इनपुट जो है, मतलब कि जो आपने पे करा है वो आपका 84,600 और जो आउटपुट है आपका वो है 61,200। तो माइनस करके देखो कि दो इतना इतना 4, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, बोले तो कि इतना जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको अभी रिसीव नहीं होगा, ये अमाउंट आपको कब रिसीव होगा, ये अमाउंट आपको नेक्स्ट मंथ में सेट ऑफ किया जाएगा। किस मंथ में सेट ऑफ किया जाएगा सर, नेक्स्ट मंथ में सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी फॉरवर्डेड, विल बी सॉरी कैरीड फॉरवर्ड टू, कैरीड फॉरवर्ड एंड विल बी एडजस्टेड टू नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कौन सा मंथ में एडजस्ट होगा, नेक्स्ट मंथ में। तो ये आपका हो गया टोटल, कहानी खत्म। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।